गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल डेली ब्लॉग्स विद सिस्टिमा। तो गाइज अभी सुबह के 4 बज रहे हैं, ये देखिए, शायद नहीं दिख रहा होगा, यहाँ से दिखाती हूँ, ये देखिए करेक्ट 4 बजा है और मैं उठी हूँ 3 बजे से, 1 घंटे हो गया है। तो मैंने नहा लिया है, मतलब चाय वगैरह बनाई थी और शिवाय भी उठ गया है, सारे लोग उठ गए हैं। हम लोग जा रहे हैं आज मंदिर, विश्वनाथ मंदिर जाऊंगी और काल भैरव मंदिर। तो आज है संडे तो और दी डेट है 26। तो गाइस मैंने कहा कि अपनी व्लॉगिंग स्टार्ट कर देती हूँ अभी सुबह सुबह और 3 बजे के जगे हैं हम लोग। तो बस नहा वहा लिया है और अभी मैं जा रही हूँ पूजा करने, तो पूजा करके ही घर से निकलेंगे और हम लोग निकलेंगे 4:30-5 बजे तक। और शिवाय भी नहा रहा है और मेरे हस्बैंड भी नहाने जा रहे हैं। तो चलिए मैं पूजा कर लेती हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने पूजा के बर्तन निकाल दिए हैं, धोने जा रही हूँ। अभी पहले पूजा रूम थोड़ा सा साफ़ कर लूँ, उसके बाद फिर मिलती हूँ आप लोगों से। मैंने कहा कि थोड़ी सी अपडेट कर देती हूँ। तो चलिए गाइस मिलते हैं फिर। गाइस पूजा वगैरह हो गई थी और मैं रेडी हो गई थी और सब लोग रेडी हो गए थे, तो बस हम लोग निकल रहे हैं। और देखिए अभी अंकल का अंधेरा ही है बाहर और मेरे हस्बैंड निकाल रहे थे बाइक, तो बस अब मैं निकल रही थी और मम्मी लोगों को बता दिया था। इधर के अरे आ रहे हैं गाइस। यहाँ देखिए बिल्कुल अंधेरा है अभी, मतलब आसमान हल्का हल्का दिख रहा है नीला, बट अंधेरा ही है एकदम। और बस लोग जो टहलने वाले सुबह सुबह टहलते हैं वो लोग टहल रहे थे कुछ लोग, और बाकी तो एकदम सन्नाटा पड़ा हुआ था। और गाइस हम लोग सुबह सुबह इतनी जल्दी इसलिए निकले थे कि भीड़ हो जाती है काल भैरव मंदिर में, तो वैसे भी संडे का दिन होता है तो भीड़ हो जाती है बहुत ज़्यादा, और हो भी गई थी। और यहाँ पे विश्वनाथ मंदिर में भी हम लोग जो है वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, इतनी सुबह सुबह जाओ फिर भी भीड़ रहती है। तो बस इसलिए जल्दी निकले थे क्योंकि मेरे हस्बैंड जाते रहते हैं तो उनको पता है कि कितनी मतलब भीड़ हो जाती है, कितनी भी सुबह चले जाओ फिर भी मतलब इतने सारे लोग होते हैं पहले से, काफ़ी लोग तो रात में ही आ जाते हैं, तो रुके हुए थे यहाँ पे। देखे गाइस हम लोग पहुँचने वाले हैं गदौलिया, हम लोग पहुँच गए थे और वहाँ से बिल्कुल पास में ही है। तो अब तो बनारस का जो ये विश्वनाथ मंदिर है वो देखिए बिल्कुल चेंज हो गया, ये हम लोग पहुँच गए हैं बाहर और अंदर कैमरा नहीं ले जा पाए थे तो बस यहीं तक था। ये देखिए बाहर का मेन गेट है और उसके बाद फ़ोन बाहर ही जो है सबमिट कर देना होता है और अंदर कुछ भी नहीं, लेकिन अंदर बहुत अच्छा था। तो गाइस यहाँ पे हम लोग प्रसाद वगैरह ले रहे थे और यहाँ पे हम लोगों के 1 घंटे में दर्शन हो गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब भीड़ थी, लेकिन 2-3 लाइन थी तो कंजेस्टेड नहीं था। और हम लोग निकल आए थे वहाँ से और हम लोग यहाँ पे आ गए हैं काल भैरव मंदिर, काल भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए, जो शिवाय ने अभी तक नहीं किए थे। शिवाय 6 साल का होने वाला है लेकिन अभी तक नहीं कर पाए थे। और यहाँ इतनी भीड़ थी क्योंकि यहाँ पे हम लोग 6:30 बज गया था, आते आते 6:30-7:15 हो गया था। तो गली जो पतली सी गली हैं इनमें जो है लाइन लगी हुई थी और लोग आने जाने वाले भी निकल रहे थे और गली में मतलब कुछ हम लोग बता नहीं सकते कि कितनी लंबी लाइन थी। और हम लोगों को 2 घंटे लग गए थे लाइन में लगे। मेरे हस्बैंड तो नहीं आते हैं ऐसे लाइन में, तो वो बोल रहे थे कि मैं फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मैं इतनी लंबी लाइन में लगा हूँ दर्शन करने के लिए। तो हम लोगों को शिवाय को दर्शन कराना था इसलिए रुकना था, वरना मेरे हस्बैंड तो भाग जाते हैं यहाँ से अगर उनको शिवाय के लिए नहीं रुकना पड़ता। तो मैं और मेरे हस्बैंड जब हम लोगों की शादी हुई थी 7 साल पहले तब हम लोग आए थे काल भैरव बाबा के दर्शन करने, उसके बाद हम लोग अभी तक नहीं आए, तो ये आज हम लोग आए हैं। बट शिवाय ने नहीं किया था तो एक मन में होता है कि अभी तक काल भैरव बाबा के दर्शन नहीं किए, यहाँ बनारस में रहते हैं तो ज़रूरी होता है कि करना, तो इसलिए हम लोग लेके आए। तो फिर भी इतनी भीड़ में शिवाय भी बहुत ज़्यादा थक गया था लगे लाइन में, तो थोड़ी देर गोदी आ गया था वो पापा की गोद में, तो हम लोग धीरे धीरे लाइन बढ़ रही थी। बट गाइस नहीं हो पाता जल्दी, हम लोग बनारस में रहते हैं बट 7 साल बाद में आई हूँ यहाँ दर्शन करने के लिए। और विश्वनाथ मंदिर भी मैं काफ़ी सालों बाद आई हूँ, जब वो पुराना वाला था तब, अभी तो मोदी जी ने बिल्कुल नया एकदम बदल गया है, अंदर इतना सुंदर लगता है, जो लोग गए होंगे उन्हें पता होगा और जो लोग नहीं गए हैं वो लोग ज़रूर जाएँ, ज़रूर दर्शन करने के लिए आएँ यहाँ पर, बहुत ही सुंदर
मंदिर है, बहुत अच्छा बना रखा है। तो गाइज़ यहाँ पे देखिए हम लोग लाइन में लगे हुए थे और बीच बीच में इतने मतलब पेंटिंग बनी हुई थी, तो बस वही मैं शूट कर ले रही थी। हाथ खाली नहीं था क्योंकि यहाँ पे हाथ में पर्स भी था और पूजा का जो फूल वगैरह था वो भी लिए हुए थे, तो हाथ में पर्स टांगे टांगे भी इतना ज़्यादा दर्द लिया था कि गाइज जैसे ही मतलब लाइन आगे बढ़ रही थी तो मैं अपने हस्बैंड से पूछ रही थी अब कितनी दूर बचा, क्योंकि मैं काफ़ी साल पहले आई थी तो आइडिया नहीं लग रहा था कि कितनी दूर है मंदिर, और पतली पतली गलियां थी तो पता ही नहीं चला था, और बीच बीच में इतने सारे मंदिर बने हुए थे गलियों में। तो क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जब मैं आई थी तो इतनी भीड़ नहीं थी, संडे के दिन ज़्यादा भीड़ रहती है। खैर अच्छे दिन हम लोगों के दर्शन हुए, संडे का ही दिन होता है काल भैरव बाबा का, और उसी दिन हम लोगों के दर्शन भी हो गए थे और इतनी भीड़ थी लेकिन फिर भी दर्शन हो गए थे। पहले एक बार को मेरे हस्बैंड लास्ट में जब पहुंच गए मंदिर तो उन्होंने सोचा कि अब रहने देते शिवाय को नहीं ले जा पाएंगे, बट मैंने कहा अब इतनी दूर आए हैं तो कर ही लीजिए दर्शन। तो फिर गाइज दर्शन हम लोगों के हो गए थे बहुत अच्छे से दोनों जगह, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग निकल 8:30 बजे करीब, धूप निकल आई थी देखिए एकदम, मौसम थोड़ा ठीक था। उसके बाद हम लोगों ने कुछ नाश्ता कर लिया था क्योंकि अब हिम्मत नहीं थी कि घर जाके कुछ बनाते, और शिवाय भी बोल रहा था कि कुछ खाना है, तो बाहर हम लोगों ने कचौड़ी और जलेबी वगैरह वही मिलता है इस टाइम, सुबह में और तो कुछ नहीं मिलता है, तो हम लोगों ने खा लिया था यहाँ पे। और बस उसके बाद हम लोग वहाँ से गाइस अभी जस्ट हम लोग आ गए हैं घर, अभी मतलब आए हैं, चेंज वगैरह भी नहीं किया है, 5 मिनट हुए, पानी पिया है, बहुत प्यास लग रही थी, पानी की बॉटल हम लोग ले गए थे वो ख़त्म हो गया था, और 9 बज रहे हैं और हम लोग घर से 4:30 बजे निकल गए थे। तो हम लोग विश्वनाथ मंदिर के भी दर्शन हम लोगों के अच्छे से हो गए, और काल भैरव बाबा के दर्शन में हम लोगों को 2 घंटे लग गए, लेकिन फिर वहाँ पे गए थे तो लग रहा था कि दर्शन करके ही आएंगे। तो बस जस्ट अभी आ गए हैं और थोड़ी सी थकान हो गई है खड़े खड़े, तो चलिए गाइज अभी चेंज वगैरह कर लेते हैं, फिर मिलूँगी आपसे। और शिवाय भी बैठा है और अभी चेंज उसने भी नहीं किया, कपड़े वपड़े मतलब मोबाइल देखने लग गया है, वो भी बहुत ज़्यादा थक गया है क्योंकि अब बच्चों के लिए तो ज़्यादा हो जाता है ना इतनी देर खड़े रहना। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे बाद में। गाइज़ अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।